दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। कोरोना को लेकर इस वक्त बड़ी खबर बिहार के मुंगेर से आ रही है, जहां मुंगेर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जी हां, आपको जानकारी देते हुए हम बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार ने पुष्टि करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मुंगेर से मिले हैं। जो हम आपको ट्विटर दिखा रहे हैं उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, बिहार फाइट कोरोना, फर्स्ट अपडेट ऑफ द डे, 4 मोर कोविड-19 पॉजिटिव केस इन बिहार, टेकिंग द टोटल टू 147। जानकारी आपको मिल ही गया होगा कि 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मुंगेर से मिले हैं और इन 4 कोरोना पॉजिटिव के मिलने के बाद पूरे बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 147 हो गया है। इसमें 4 कोरोना पॉजिटिव में 3 वृद्ध महिलाएं हैं और 1 युवक बताए जा रहे हैं। आपको जानकारी हम दे दें कि तीनों वृद्ध महिलाएं का उम्र 68 वर्ष, 61 वर्ष और 60 वर्ष है, जबकि एक 30 वर्षीय युवक है जो सदर बाजार जमालपुर, मुंगेर जिले के जमालपुर के सदर बाजार से मिले हैं और इनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद पूरे बिहार में आंकड़ा 147 पहुंच चुका है। आपको जानकारी हम दे दें कि कल तक यह आंकड़ा 143 पर था और आज मुंगेर में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे बिहार में आंकड़ा 147 हो गया है और इसी के साथ मुंगेर का आंकड़ा 31 पहुँच गया है। जी हाँ, पिछले दिन यानी कल मुंगेर में आंकड़ा 27 था और आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मुंगेर में आंकड़ा 31 पहुंच गया है और इसी के साथ पूरे बिहार में 147 आंकड़ा पहुंच चुका है। तो लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं, जनादेश न्यूज नेटवर्क भी अपील कर रहा है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मुंगेर से आ रही है, जहाँ 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिसमें 3 वृद्ध महिलाएं हैं जिनकी उम्र 68 वर्ष, 61 वर्ष और 60 वर्ष है, जबकि एक 30 वर्षीय युवक में पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। और ये सभी अपडेट्स स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है। आज का यह पहला फर्स्ट अपडेट है स्वास्थ्य विभाग का। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पाएं बिहार की सभी अपडेट्स। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।